नमस्कार दोस्तों, कोलकाता में हुए रेप मामले में अब सिकंजा कसता जा रहा है और एक बहुत बड़ा आंदोलन जो कि पूरे देश में चला। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में तो ऐसा लग रहा था पूरी जनता सड़कों पे आ गई है और ये बहुत ही देश के लिए, समाज के लिए घिनौना कृत्य था और घिनौना ये षड्यंत्र था जिसको कि अंजाम दिया वहीं के कुछ लोगों ने। आइए चलिए मैं आज विस्तार से इस केस के बारे में डे बाय डे क्या हुआ वो चर्चा करता हूं। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न बॉडी मिली। मुंह, आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। 10 अगस्त सिविक वॉलंटियर संजय राय गिरफ्तार हुआ। वही संजय राय है जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई और कोलकाता में इसके बाद एक बड़ी हड़ताल शुरू हो गई और ये हड़ताल पूरे देश के सभी अस्पतालों में हुआ। उसके बाद कोलकाता का जो आम नागरिक सड़कों पर उतर गया और उसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन और धरनों का दौर चालू हुआ और हर तरफ लोग सड़कों पर उतर गए। 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दिया और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने देश भर में बंद बुलाया। 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए और कहा कि पुलिस ने 5 दिन में कुछ नहीं किया, ऐसे में सबूत मिटाए जा सकते हैं, इसलिए इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। देश की जनता का बड़ा ही प्रेशर और बड़े बड़े जब आंदोलन होने लगे तो इस मामले को काफी ही ज्यादा तूल दिया गया और आनन फानन में तुरंत ही मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया और 14 अगस्त सीबीआई ने जांच शुरू की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में देर रात करीब 1000 लोगों ने मेडिकल कॉलेज में घुसे, तोड़फोड़ किया और हिंसा किया। इसमें ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि ये जो 1000 लोग अचानक जो आ गए मेडिकल कॉलेज में, इन्होंने कोई प्री प्लान नहीं किया था। लोगों के अंदर ये गुस्सा था, लोगों के अंदर बहुत ही आक्रोश था, जिसको देखते हुए लोग अचानक ही जमा हुए और मेडिकल कॉलेज में घुस गए। अब बात करते हैं 16 अगस्त की। 16 अगस्त को संदीप घोष को हिरासत में लिया गया। ये वही संदीप घोष है जिन्होंने इस मामले में इस्तीफा दिया था और कोलकाता हाई कोर्ट ने अस्पताल में जो हिंसा हुआ, जो तोड़फोड़ हुई, उसको लेकर के कोलकाता पुलिस को फटकार भी लगाई। 18 अगस्त को संदीप घोष का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया और संदीप घोष से पूछताछ किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में नोटिस लिया। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रोफेशनल की सेफ्टी के लिए टास्क फोर्स बनाई और कहा कि एक और रेप का इंतजार हम नहीं कर सकते, इसलिए टास्क फोर्स बनाना जरूरी है। 21 अगस्त को सीआईएसएफ एक्टिव हुई और सीआईएसएफ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा संभाल ली और हिंसा मामले में 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 30 साल के करियर में ऐसी लापरवाही कभी नहीं देखी। सीजेआई के अपील पर डॉक्टरों ने 11 दिन से जारी अपनी हड़ताल खत्म कर दी और 23 अगस्त को सियालदह की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी संजय राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 24 अगस्त को सीबीआई ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर के साथ 1 वॉलेंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। अब 25 अगस्त को आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, उसमें जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि वह घटना से पहले रेड लाइट एरिया गया था। 27 अगस्त को कोलकाता में छात्रों ने प्रोटेस्ट रैली निकाली। हिंसा में छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। 100 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया गया। ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था और इस प्रोटेस्ट में काफी हिंसा हुआ, काफी पुलिस लाठीचार्ज किया
और इस मामले में कई लोग घायल हो गए थे। 28 अगस्त को भाजपा ने बंगाल बंद बुलाया। कई जिलों में भाजपा समर्थकों और पुलिस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। कई भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आईएमए ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की सदस्यता सस्पेंड कर। 29 अगस्त को सीबीआई ने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के 2 सिक्योरिटी गार्ड का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया। 2 सितंबर को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के आरोप में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया और 3 सितंबर को अलीपुर जजेज कोर्ट ने संदीप घोष और 3 अन्य को 8 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये तो डे बाय डे अपडेट था, लेकिन मैं आपको इस मामले में कुछ और अपडेट देना चाहता हूं कि कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप का मामला हुआ, हत्या का मामला हुआ, इसमें जो प्रिंसिपल है, पूर्व प्रिंसिपल कह सकते हैं, संदीप घोष ने अपने कई नजदीकियों को टेंडर दिलवाए। उसमें सुमन हाजरा नाम के एक दवा टेंडर को सोफा और फ्रिज सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और घोष के सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी अस्पताल की कैंटीन चलाती है। यानी कि पूर्व प्रिंसिपल जो संदीप घोष है, उसने अपने कई नजदीकियों को गलत तरीके से अस्पताल में टेंडर दिलवाए, वित्तीय अनियमितता किया और इस मामले में काफी ही ज्यादा सीबीआई एक्टिव है और सीबीआई लगातार अपना काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि 5 सितंबर को सीबीआई की जांच में सामने आया है कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के अगले दिन ही संदीप घोष ने सेमिनार हॉल से लगे कमरों का रिनोवेशन का ऑर्डर दिया और ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल में ही मिला था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि संदीप घोष की कितनी भागीदारी है इस मामले में। जिस रात को शव मिलता है उसके अगले ही दिन रिनोवेशन का ऑर्डर दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि संदीप घोष ने 10 अगस्त को लेटर लिखकर स्टेट पब्लिक वर्क्स डिवीजन यानी कि पीडब्ल्यूडी को सेमिनार हॉल से लगे कमरों और टॉयलेट का रिनोवेशन करने का ऑर्डर दिया और इस परमिशन लेटर पर घोष ने खुद ही साइन किया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि रिनोवेशन लेटर से यह साफ हो रहा है कि घोष को ये काम कराने की जल्दीबाजी थी क्योंकि वो सबूत मिटाना चाहता था, लिहाजा यह डॉक्यूमेंट रेप मर्डर केस और आर्जिकर कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी के केस के बीच की कड़ी को जोड़ता है। यानी कि इस मामले में कड़ी दर कड़ी अगर जोड़ा जाए तो काफी कुछ सामने निकल करके आता है और ये एक देश के लिए बहुत ही बड़ी घटना है जिसको लेकर के आम जनता से लेकर के हर किसी में आक्रोश व्याप्त है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस मामले में कुछ कार्रवाई होती है या सिर्फ हंगामा और हंगामे के बाद शांति। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि पिछले कुछ मामलों में हम देख रहे हैं कि हंगामा होता है, आम जनता सड़कों पर आती है, उसका सीबीआई जांच का आदेश दिया जाता है और सीबीआई जांच का जब आदेश आता है कुछ दिनों तक काफी खुलासे होते हैं और जैसे जैसे दिन बीतते जाता है मामला समाप्त हो जाता है। ऐसी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आज तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ।